बॉलीवुड एक्ट्रेस और मशहूर सोशल मीडिया स्टार पूनम पांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। उनके ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई पोस्ट ये भी खुलासा कर रही हैं कि वो लंबे समय से इस बीमारी से पीड़ित हैं। आपको बताएंगे कि आखिरकार सर्वाइकल कैंसर एक सेंटिमेंट किलर है। ये दुख भरी खबर उस वक्त सामने आई जब एक दिन भर की भारत सरकार के अंतिम बजट 2024 में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के मुक्त टीकाकरण की घोषणा हुई थी। ये बीमारी जिस अक्सर स्लाइट किलर कहा जाता है, शुरुआत में कई बड़े लक्षण इसमें नहीं दिखाई पड़ते, तो इसको इसलिए साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में स्त्री रोग ऑनकोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी और वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर पाखी अग्रवाल ने एक खास बातचीत में इस बीमारी के कारणों को बताया है। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भशील यानी कि यूट्रस से शुरू होता है। बच्चेदानी का मुंह जिसे सर्वाइक कहते हैं, वहां पर होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। यौन संबंध के जरिए HPP वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में दाखिल हो जाता है और इस कैंसर का कारण बनता है। अगर समय रहते इसकी जांच हो जाए तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। और कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे दें कि अब बताया यही जा रहा है कि जो है इस बीमारी के लिए अब इंजेक्शंस भी मौजूद हो गए हैं। इस बीमारी से कैसे बचा जाए, HPP और टीकाकरण और नियंत्रित जांच इस बीमारी को बचा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। प्रारंभिक चरण में इस रोग का पता लगकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो बताया जा रहा है कि भाई सर्वाइकल कैंसर जो है, जो रेशियो देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें पूनम पांडे बच सकती थी। पूनम पांडे एक एडल्ट स्टार थी जिसके कारण बताया जा रहा है कि वो इस बीमारी से जो है जूझ रही हैं और जूझ रही थी बताया जा रहा था, और इसमें उन्होंने दुनिया को अलविदा भी कह दिया। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।